उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना इलाके के ग्राम मुस्तापुर में जंगल जा रहे ग्रामीणों पर अचानक दो तेंदुओं ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से दोनों ही लोग डर गए और शोर मचाने लगे। शोर मचाने की आवाज सुनकर सभी ग्रामीण जंगल की तरफ दौड़ पड़े। तेंदुए ने जैसे ही भीड़ को आता देखा तो ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक दर्जन ग्रामीण तेंदुए के हमले से घायल हो गए। घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और जंगल में तेंदुओं को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग शुरू कर दी गई। लेकिन दोनों तेंदुए नदी पार करके जंगल में भाग गए, जिन्हें अभी तक नहीं पकड़ा गया है। वहीं हमले में घायल लोगों को इलाज के लिए जब अस्पताल भेजा गया तो घायल हुए चार लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाकी पांच लोगों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बाकी लोगों के मामूली चोटें आई थी, जो इलाज कराकर अपने घर वापस लौट गए हैं। लेकिन इलाके में अभी भी तेंदुए से दहशत का माहौल बना हुआ है। रईस, आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं? हाँ, ग्राम प्रधान मुस्तफा। अच्छा, ये बताइए, जो आपके पड़ोस में कल तेंदुए द्वारा कुछ लोग जख्मी हुए हैं, यहाँ अभी तक कितने लोग जख्मी हुए थे? कुल मेरी ग्राम पंचायत मुस्तफा बढ़ेरा के 9 लोग जख्मी हुए हैं। कितने लोग दुखद घटना है। और बस ये तो मतलब कि एक तरह का कहर है, क्योंकि दो लोगों के इस्लाम और इंसाफ जो है, कलवा के लड़के जंगल की तरफ जा रहे थे, उन्हें जो है सामने चीता दिखाई दिया, वो लोग डर के पीछे भागे, सीधे सीधे उन पर हमला कर दिया दोनों पर। हमला करने के बाद में उनकी चीख पुकार पर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। जब भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ जब उधर को चली तो भीड़ को देख के, वो दो थे, एक छोटा चीता था एक बड़ा था। वो सर चीता था या कुछ लोगों का कहना तेंदुआ था? न चीता बता रहे, मैंने नहीं देखा, लेकिन बंदे के बताने वाले जो हैं चीता बताते हैं। तो अब जैसे वो दो थे, तुम लेके जो भीड़ को देखने के बाद में भीड़ पे जो है पूरी तरह हमलावर होते थे वो, और उसमें देख के जिसे एक को पकड़ा उन्होंने और पूरी तरह से एक पे उस पर अपना पूरे जान लेने की कोशिश करते थे। लेकिन काफ़ी भीड़ ने जो है जैसे पकड़ा तो भीड़ उन्हें बचाने की प्रयास करती थी। वो उसी तरह से कुल मिला के 9 लोगों को जो है जख्मी करा पूरी तरह से। उसमें से 3-4 लोग जो हैं अभी पूरी तरह नाजुक हालत में हैं और जेरे इलाज चल रहे हैं। 3 लोग तो ये गाँव के जो इकराम हैं, इब्राहिम के और इंसाफ अली और इस्लाम जाकिर मोहम्मद शफी। अच्छा, इसमें जो बनवा के यहाँ कल से अब तक लगभग 14-20 घंटे के समथिंग होने वाले हैं जी, यहाँ कौन कौन अधिकारी आया? शाम जो है रेंजर साहब आए थे, सुरेश जोशी जी, और उनकी टीम आई थी रात, लेकिन अंधेरा होने के नाते वो किसी तरह से कोई इस पर लेके कारगर नहीं हो पाए। सुबह फिर वो अपनी टीम के लेके पूरा आए और आने के बाद उन्होंने अपना पूरे जंगल की कॉम्बिंग करी है, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ फिर DFO महोदय भी आए, DFO ने भी पूरे जो है जंगल का और घटना स्थल का जायजा लिया है, और फिर उन्होंने पूरी जो है उसे देखा कहाँ क्या है, कैसे कुछ हासिल हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन आश्वासन DFO महोदय और रेंजर साहब ने ये दिया है कि जितने लोग जख्मी हैं उन्हें शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें जितना भी मतलब कि यथासंभव मदद होगी। और पटवारी जी हमारे वसीम भाई जो इस क्षेत्र के पटवारी हैं मुस्तफापुर के, उन्होंने भी वो आके जो है यहाँ का निरीक्षण किया और मतलब कि पूरी तरह से वो भी अपना लिखा पढ़ी करके ले गए हैं और कह रहे हैं कि मतलब कि तहसील स्तर से भी जख्मी लोगों को पूरी तरह से जो भी आर्थिक सहायता हो सकती है, मदद हो सकती है, वो करी जाएगी। मामला का उन्होंने तो हलवा करा ही है पूरा। अच्छा। जब क्या अगर गाँव भाजा तो जब क्या अगर पीछा कटाना तो छोड़ी कब रही थी। अच्छा, कितने लोग घायल हैं और ये कहाँ जा रहे थे? ये तो जब क्या अगर जंगल में अपने गौत पूरा काट रहे। अच्छा, चारा काट रहे। अच्छा। और जब क्या अगर उन पर हलवा कर दिया तो फिर गाँव पड़ा भाग के। अच्छा। और जब क्या अगर उन पर जब बाद में 4 बजे तो उन्होंने जहाँ जैसे झाप लिया। अच्छा, जब इन्हें इन पर हमला किया गया तो इनको गांव कौन लेकर गया फिर वापसी? पता नहीं कहां से आई। नहीं, ये जो लोग घायल हुए थे गांव वाले लाए। अच्छा, कितने लोगों पर हमला किया? 8-9-10 आदमी है। हमने मौके का मुआयना किया, हमने स्टाफ को कल भी कॉम्बिंग किए थे जो है, कल थोड़ा देर रात हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने सुबह 5:30 बजे से शुरू किया और पूरे एरिया को हमने कॉम्बिंग किया। तो हमने उसका पदचिन्ह को देखा तो वो ये जो नदी है रामगंगा नदी, इसको क्रॉस कर गया है और दूसरे साइड में मिला, तो वहाँ एक
वन विभाग का पहले से जंगल प्लांटेशन किया गया था, वो जंगल हो गया है, उस साइड में चला गया है, अब वो गांव से बहुत दूर है, इधर आसपास में कोई गांव नहीं है। अच्छा सर, ये जो प्रशासन या वन विभाग की तरफ से कितने लोग जो घायल हुए, इनको कुछ मदद का आश्वासन दिया गया है? नहीं, अभी तो ऐसा प्रथम तो अभी नहीं किया गया, जो उनको जो सीवियरिटी होगा कि जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी, वो मेडिकल की रिपोर्ट जो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर होगी।